नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू किया है जीएस न्यूज। चुनावी महामुकाबला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में नौगछिया अनुमंडल के 152 बिहपुर और 153 गोपालपुर विधानसभा में चुनाव होने हैं और मतदान 3 नवंबर को है, यानी मात्र 3 दिन के बाद। आइए इस पर लोगों के विचार जानते हैं। हालांकि हम बताते चलें कि इस बार गोपालपुर विधानसभा के भी कई गांव का दौरा करने के बाद हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्ट तैयार की है, सभी तरह से, हर पंचायत से, हर गांव से, कि हर गांव और पंचायत के लोग इस बार एक अलग मूड में हैं, अलग एक अंदाज में हैं। और ये पहली बार ऐसा कहा जा सकता है कि किसी गांव, किसी पंचायत के लोग में अलग तरह की, यानी भिन्नता नहीं है, सब कहीं ना कहीं एकजुट हैं, एक रणनीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसी बीच हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है गोपालपुर विधानसभा के गोसाईगो पंचायत से। आइए जानते हैं क्या कहते हैं मतदाता। चार दे, इस बार हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो हमारे भूतपूर्व विधायक थे उनको आज तक हम लोगों ने देखा भी नहीं है, वो कैसा दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, उनको हम वोट देके क्या करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार नया कोई आए जो हमारा अच्छा से दे। इस बार किस पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं? पार्टी का नाम लेना तो उचित नहीं ही होगा, लेकिन हम कुछ नया सोच रहे हैं। कुछ नया सोच रहे हैं? हाँ, आपको लग रहा है कि विकास जो रुका हुआ है इसमें जनप्रतिनिधि और नेताओं का ध्यान नहीं है? नहीं, आपके गांव पर? मेरे गांव पर आज 15 साल से कोई भी ध्यान नहीं है। हाँ, इनसे पहले आर के राणा थे जो कुछ हद तक हमारे गांव की ओर ध्यान देते थे, लेकिन उनके बाद आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है हमारे गाँव पर। गोसाई गाँव का वासी हूँ, गोपालपुर विधानसभा में पड़ता है। हम लोगों के गांव में जितने भी नेता आते हैं सब कुछ से कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन आज तक कभी लौट के भी नहीं आते हैं गांव में। हम लोगों को केवल ठगने का काम किया है। इस बार हम लोग जो है इसका कुछ मन में सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, जो कि हम लोगों के साथ ठग वाला विद्या जो है, इसलिए हम लोग इसको जो है तिरस्कार कर रहे हैं। क्या हम लोग बहुत बड़ा आबादी है हम लोगों के गांव में, लेकिन हम लोगों के साथ जो ठग विद्या किया है इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। बोल रहे हैं इस गांव का विकास अवरुद्ध है, कोई नेता आते हैं लेकिन काम यहां का नहीं करते हैं, नहीं नाला है, न बढ़िया सड़क है, लोग अभावग्रस्त हैं, किसी चीज़ का यहाँ पूरा काम नहीं होता है। इस बार क्या विचार हैं फिर आप लोगों के, क्या विचार हैं? इस बार विचार यही है कि सरकार बदलना चाहिए और अच्छी सरकार आना चाहिए जिससे गांव का विकास हो, लोग सामर्थ्यवान हो। मैं गोसाई गांव का वासी हूँ, गोपालपुर प्रखंड 153 नंबर वार्ड, 153 विधानसभा। बताइए कैसी स्थिति है यहाँ? कोई स्थिति अभी ठीक नहीं है, न सड़क, न पानी, न नाला या कोई है यहाँ। आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए जरूर। नीतीश जी बहुत काम घोटाला वाला किए हैं। अच्छा, गोसाई गाँव में विकास हुआ है आपको? कोई वोट नहीं लगा है यहाँ, गोसाईगो में विकास नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या इस बार किस तरह का प्लान बनाए? अभी विचार विमर्श हो रहा है सगरे गांव में, किसको देना चाहिए। हाँ, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। आपको लगता है कि गोसाईगो में विकास रुका हुआ है या विकास हो रहा है आपके गांव का? विकास रुका हुआ है। तो इस बार क्या सोच कर चुनाव मतदान कर रहे हैं? जो समय आने पर ही विचार करेंगे। तैयारी और क्या लग रहा है आपको? बहुत सारी तैयारियां हैं, पब्लिक है उत्साहित है, वोट गिराने के लिए पब्लिक तत्पर है और यहां विकास मुद्दा है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी, कौन सा पार्टी? आप विकास की सरकार होनी चाहिए, जो पार्टी विकास करेगा उसकी सरकार होनी चाहिए। यहां 15 साल से लगातार विधायक हैं, उनका कुछ बताएं विकास कार्य आपके गाँव। ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है मोदी के सरकार में, चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे भूतपूर्व विधायक हो, किसी ने भी गोसाईगो का समृद्ध विकास नहीं किया है। चुनाव में मुख्य मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है और
हम लोग जो है कि जिस गांव से हम लोग अभी गोसाई गांव के हम लोग वासी हैं, मेरे गांव में विकास नहीं हो पाया है। ना मेरे गांव में नालियां हैं, सड़क जो है वो चलने के लायक भी नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे, और उनका कोई कभी भी ध्यान नहीं आ पा रहा है। वो ना कभी मेरे गांव आते हैं, ना एमपी साहब आते हैं, ना विधायक महोदय आते हैं। लेकिन हम लोग जो है कि जब अपने क्षेत्र की बात को सोचते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रीयता की भावना जरूर रहती है कि राष्ट्र से हमारा क्षेत्र जो है जुड़ा रहे। को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह का मूड है? चुनाव को लेकर तैयारी इस तरह का मूड है, जब जब चुनाव आती है तो तब तब नेता लोग हमारे गांव आते हैं। चुनाव से पहले एक भी नेता हम लोग के गांव नहीं आते हैं, और हम लोगों की गांव की स्थिति इतनी ख़राब है उसका कोई वर्णन नहीं कहा जाए। और इस बार हम लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं जिसके वजह से हम इस चीज़ को बताना नहीं चाहते हैं। और जितने भी नेता लोग आते हैं वो अपना लॉलीपॉप दे के यहाँ से चले जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन होना अनिवार्य है? जरूर होगा परिवर्तन, हम लोग ठान लिए इस बार हम लोग को परिवर्तन लाना है तो लाना, चाहे जिस हर हाल में हो। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।